हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बैंक सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। हम आपके लिए एक एग्ज़ाम सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम बैंकिंग सब्जेक्ट के जो भी हर एक चैप्टर के एक कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है हमारा बैंक फर्स्ट चैप्टर। ठीक, उसमें का हमारा मेन टॉपिक अगर हम बोलें इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो वो है ओरिजिन। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारा बैंक है क्या, उसमें ओरिजिन क्या है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। हमने देखा था हमारा बैंक क्या होता है, आपको इसके बारे में पता ही है बैंक होती क्या है। पूरी बैंक हमारी क्या करती है, हम लोगों से डिपॉजिट्स लेती है। ठीक, और हम लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, हमारे ही पैसों को क्या करती है वो आगे इन्वेस्ट भी करती है, आगे इंडस्ट्रीज़ में जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स वगैरह हैं या जो भी बिजनेसमैन हैं उन लोगों को लोन की ज़रूरत होती है तो वो उनको इन्वेस्ट करती है, यानी कि हमारा जो पैसा है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। खैर, ये तो चीज़ हो गई हमारी बैंक की कि बैंक करती क्या है। ठीक, अब अगर बात करें कि बैंक आई कहाँ से, बैंक शब्द ही कहाँ से आया, ओरिजिन की अगर बात करो तो हमारा बैंक, ये जो हम इतना सुनते हैं बैंक 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 बैंक, ये आया कहाँ? तो ये जो हमारा बैंक शब्द है ये किस शब्द से आया है, बैंको। किस शब्द से, बैंको। ये जो बैंको शब्द है ये कैसा हमारा शब्द है, कौन सा वर्ड है, ये इटालियन वर्ड है। कौन सा इटालियन वर्ड है जिससे कि हमारा कौन सा कैसा शब्द निकल के आया, बैंको। बैंको से क्या बना, हमारी बैंक। इतनी चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। ठीक, अब इस बैंको का मतलब क्या है, बैंको का मतलब होता है टू सिट राउंड दी बेंच। ठीक, ये होता है इसका मीनिंग। आई विश आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये बैंक हमारी होती क्या है। ठीक, और हमारा बैंको बैंक हमारी क्या है, बैंक का वर्ड कहाँ से निकला, बैंक एक हमारा बैंको वर्ड हमारा एक इटालियन वर्ड बैंको से निकल के आया है। ठीक, जिसका मीन होता है टू सिट अराउंड दी बेंच। अब मन में ये भी तो आता होगा कि अरे ठीक है, हमारा बैंक निकल के तो आया, बैंक का शब्द भी पता चल गया, लेकिन हमारी बैंक स्टार्ट कैसे हुई, बैंक की ज़रूरत क्यों हुई? तो देखा जाए तो हमारे जो फार्मर्स वगैरह जो लोग रहते थे पहले के समय में, जो लोग रहते थे फार्मिंग करते, तो उनको फार्मिंग करने के लिए भी या और जो लोग रहते थे उनको क्या ज़रूरत पड़ती थी, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ते थे। ठीक, तो अब वो पैसों के लिए कहाँ जाने लगे, पैसों के लिए साहूकार महाजन इन लोगों के पास जाते थे जो उनके ऊपर ब्याज पे ब्याज बढ़ा देते थे, या अगर उनको पैसा जमा करना रहता था तो वो अपने पास ही कहीं ना कहीं जमा करके रख देते थे। या पहले के वक्त की बात करो तो फिर पहले के वक्त में लोग अपने ही घरों के अंदर पैसों को गाड़ के जमा दबा देते थे कि कोई हमारे पैसों को चुरा ना ले, तो ये उस वक्त ही थे। तो वहीं से निकल के आया कि हाँ ठीक है, एक ऐसी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पर लोग अपना पैसा आराम से आएँ या जमा करें और हमारे पर उस इंस्टीट्यूट पे पूरा विश्वास करें। तो इसीलिए हमारी बैंक बनी। ठीक, अब बैंक चलो बन गई, बैंक का मतलब भी समझ में आ गया। अगर हम बात करें, अगर कोई कहे कि हमारी वर्ल्ड की सबसे पहली बैंक कौन थी, वर्ल्ड की सबसे पहली बैंक थी कौन सी और कहाँ बनी, तो हमारी वर्ल्ड की सबसे पहली बैंक थी बैंक ऑफ वेनिस। क्या, बैंक ऑफ वेनिस, जो कब बनी थी, 1157 में। 1157 में बनी थी, कब बनी थी, 1157 में, कहाँ पे, इटली। इटली में हमारी सबसे पहली बैंक बनी थी, ये हमारी फर्स्ट बैंक है, ये हमारी वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक है, बैंक ऑफ वेनिस हमारी वर्ल्ड की सबसे पहली बैंक है। ठीक, जो हमारी 1157 में बनी थी, कहाँ पे, कौन से एरिया में, इटली में। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें, ये तो हमारा ओरिजिन का हमें पता चल गया कि हमारी बैंक स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ पे सबसे पहली बैंक बनी।
अब इसके बाद हम अगर बात करें तो हमारी जब बैंक ऑफ वेनिस आई उसके बाद भी बाकी कंट्रीज बाकी लोगों ने भी सोचा अरे इटली ने सबसे पहले अपनी बैंक खोली और वो भी इतनी अच्छी चीज़, तो लोगों के मन में भी आया कि हाँ हम भी अपनी एक बैंक खोलेंगे। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टिंग की 5 बैंक्स कौन सी होती हैं, तो हमारी स्टार्टिंग की 5 यानी कि बैंक ऑफ वेनिस बनने के बाद हमारी कौन सी 5 बैंकें बनी थी, तो हमारी कौन सी 5 बैंकें थी। सबसे पहली थी हमारी बैंक ऑफ ब्रेसिलोना। क्या थी? बैंक ऑफ ब्रेसिलोना, ये हमारी थी सबसे पहली बैंक। ठीक, सबसे पहली बैंक थी जो कहाँ बनी थी? इन स्पेन। ये हमारी स्पेन की बैंक है जो कब बनी है हमारी ये बैंक, बैंक ऑफ ब्रेसिलोना इन स्पेन, ये हमारी कब बनी थी? 1401 यानी कि 1401 में बनी थी। कब बनी थी? 1401 में हमारी मतलब बैंक ऑफ वेनिस आने के बाद हमारी ये पहली बैंक थी बैंक ऑफ ब्रेसिलोना जो स्पेन में बनी थी। इसके बाद में हमारी सेकंड बैंक कौन सी थी? बैंक ऑफ जेनोवा हमारी जो है ये 1407 में बनी थी। कब? 1407 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। ठीक, बैंक ऑफ जेनोवा के बाद हमारी कौन सी बैंक आई थी? बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम जो था ये हमारा हॉलैंड में बना था। कहाँ? इन हॉलैंड। ठीक, ये हमारी हॉलैंड की बैंक थी बैंक ऑफ एम्स्टर्डम और ये कब बनी थी? 1609 में। कब बनी थी? 1609 में बनी थी। जब ये 3 बैंक्स बनी इसके बाद हमारी कौन सी बैंक आई? हमारी एक बैंक थी बैंक ऑफ हैम्बर्ग, जो हमारी कहाँ की थी? इन जर्मनी, जर्मनी की बैंक आई। जर्मनी में भी एक सबसे पहली बैंक बनी जिसका नाम था बैंक ऑफ हैम्बर्ग, जो हमारी 1619 में बनी। कब? 1619 इस ईयर में हमारी एस्टैब्लिश्ड हुई थी। इसके बाद में हमारी एक लास्ट बैंक बनी थी, इसके बाद में जो हमारी 5वीं बैंक थी उसका नाम था बैंक ऑफ इंग्लैंड। आपने बहुत सुना होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या नाम था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये हमारी कब बनी थी? 1694 में। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग की कुछ बैंक्स, जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ कि बैंक हमारी कैसे स्टार्ट हुई। हमें नाम पता चला कि हमारे बैंक का नाम क्या था स्टार्टिंग में, फिर हमें ये पता चला कि सबसे पहली बैंक कौन बनी और उनके बाद हमारी कौन सी 5 नई बैंकें आई। ठीक, स्टार्टिंग की ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब अगर ये तो थी हमारी दुनिया की बात, हमारे वर्ल्ड की बैंक्स की बात हुई, अब हम ज़रा अपने देश के ऊपर आते हैं, अपनी इंडिया की ज़रा बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे पहली बैंक कौन सी बनी थी? इंडिया की हमारे सबसे पहली बैंक हमारी कौन सी थी? इंडियाज फर्स्ट बैंक हमारी कौन सी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये थी हमारी इंडियाज फर्स्ट बैंक जो कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 1770 में। और ये बनी किस वजह से थी? इसका काम क्या था? इसका काम था हमारा जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक, ये इन सब को और हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे बैंक ऑफ हिंदुस्तान आई। कौन सी बैंक आई? हमारी बैंक ऑफ हिंदुस्तान आई जो कब स्टार्ट हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी? 1770 में। ठीक है, हमारी वर्ल्ड की सबसे पहली बैंक थी। सो इसी के साथ हमें पता चला कि हमारे बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ, हमारी बैंक कहाँ, बैंक का नाम कैसे पड़ा, बैंक कैसे नाम आया। ठीक,
हमें पता चल गया बैंको नाम से आए जो इटालियन वर्ड है, ठीक है, इटालियन वर्ड है, वो चीज़ समझ में आई। फिर हमने देखा कि हमारी सबसे पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक हमारी कौन सी थी, बैंक ऑफ वेनिस, जो हमारी 1157 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। देन उसके बाद में हमने देखा कि हमारी इसके बाद बैंक ऑफ वेनिस के बाद हमारी कौन सी नई बैंकें थी वर्ल्ड्स की, तो हमने देखा बैंक ऑफ ब्रेसिलोना थी जो हमारी 1401 में बनी थी, स्पेन की बैंक थी। फिर आई बैंक ऑफ जेनोवा जो हमारी 1407 में आई थी। फिर हमारी थी बैंक ऑफ एम्स्टरडैम जो हमारी कहाँ की बैंक है, ये हमारी हॉलैंड की बैंक थी जो 1609 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर हमने देखा बैंक ऑफ हैम्बर्ग जो हमारी जर्मनी की बैंक थी, जो जर्मनी की बैंक थी 1609 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर हमारी पांचवी हमारी कौन सी बैंक थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो हमारी 1694 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक। देन फिर हमने बात की कि हमारी इंडिया की सबसे पहली बैंक इंडिया पे हम आए अपने उस पर, हमने देखा हमारी इंडिया के सबसे पहली बैंक कौन सी है, तो हमारी इंडिया की सबसे पहली बैंक थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1770 में। सो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके जो भी मैंने डेट्स लिखाए हैं इसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि बैंकिंग सब्जेक्ट में आपको जब बैंक कब बैंक स्टार्ट हुई, कब ख़त्म हुई, क्या था इसका, इन सब के इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इन सब के इम्पॉर्टेंट डेट्स को ज़रूर याद रखना होगा, ठीक है। इन सब से आपके शॉर्ट बोले तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत से बन सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।